हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक नया प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये है लुइट LCT 440 प्योर कंडेंसर माइक्रोफोन। सो ये लगभग मुझे 2-3 दिन पहले डिलीवर्ड हुआ था। सो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा फर्स्ट रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और कौन से पर्पस के लिए आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट तो ये कम्प्लीटली सील पैक्ड है। सो अनबॉक्सिंग करने के पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप चेक कर लिए आपका पैकेज पूरी तरह सील पैक्ड है या नहीं। ओके, सो ये सील पैक्ड है। ओके, सो इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर और एक पैकेजिंग है। सो इससे पहले भी मैंने बजाव से बहुत सारा प्रोडक्ट परचेस किया था, तो उन लोगों का पैकेजिंग बहुत सेटिस्फैक्टरी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बजाव से परचेस कर सकते हैं और इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से काइंडली चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए इस पैकेज को भी हम खोल लेते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी से। सो हियर वी आर। ओके, वी डोंट नीड दिस। सो ये है प्रोडक्ट लुइट LCT 440 प्योर। ये कम्प्लीटली इसका ये कम्प्लीटली सील पैक्ड है। इसका बाहर भी एक रैपिंग है, प्लास्टिक रैपिंग है। सो पहले हम प्लास्टिक रैपिंग को उतारते हैं, बाद में इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और पर्पोजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये है फाइनल प्रोडक्ट लुइट LCT प्योर 440, द एसेंस ऑफ ए ट्रू कंडेंसर माइक्रोफोन। ओके, सो पहले हम बॉक्स कंटेंट्स देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल साइट पे जाएंगे। सो बॉक्स कंटेंट्स क्या है। ओके, सो हम लोग फर्स्ट बॉक्स कंटेंट्स चेक करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है कुछ पेपर वर्क्स, एक स्टिकर है और वारंटी भी है। इसका वारंटी आप लोग ऑनलाइन ये प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और ये है एक पाउच, प्यारा सा पाउच। ओके, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और अंदर इसका फोम टाइप भी है थोड़ा, तो ये आपके कंडेंसर को डस्ट धूल वगैरह से रक्षा करेगा। ओके, इसको साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं, ये है पॉप फिल्टर। ओके, इसको खोलते हैं। ओके, ये मटेरियल प्लास्टिक का है लेकिन बहुत स्टर्डी है। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा मेटल कंस्ट्रक्शन भी है, मेटल और प्लास्टिक मिक्सअप है यहाँ पे। और ये है, इसके साथ ही आया है ये, जब आप लोग आउटडोर में कोई शूट कर रहे हो तो वहाँ पे जो विंड ब्लास्ट होता है, तो विंड ब्लास्ट रोकने के लिए ये आप कंडेंसर के ऊपर लगा सकते हैं, लगाकर आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये इतना यूज़फुल नहीं है मेरे लिए। ओके, और ये है इसका
शॉक माउंट, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है। ओके, इसको रखते हैं साइड में। ओके, मैग्नेटिक पॉप फिल्टर, वेरी नाइस। या इट विल डेफिनेटली ब्लॉक द पॉप्स एंड इट्स ड्यूअल लेयर। और इसका कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हद तक अच्छा है। ओके, इम्प्रेस्ड। ओके, अभी हमारा फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं, माइक्रोफोन। ओके, इसको हम साइड पे रखते हैं। चलिए, ओके, ये है हमारा फाइनल माइक्रोफोन। बहुत एक्साइटेड हूँ। और कंस्ट्रक्शन काफ़ी सॉलिड है, मतलब एक प्रीमियमनेस फील हो रही है हाथ में। हाँ, कुछ भरोसेमंद कुछ साउंड इससे प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है। ओके, ये कंस्ट्रक्शन फुल्ली मेटल का है, ये बहुत स्टर्डी है, बहुत कंस्ट्रक्शन फुल्ली मेटल का है। ओके, और इसका जो शॉक माउंट है, आप ऐसे इसको फिट कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको प्लेस करके, यहाँ पे आप इसको प्लेस करके आप शॉक माउंट को, शॉक माउंट पे प्लेस करके आप पॉप फिल्टर को ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी प्रोफेशनल लुक्स दे रहा है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। सो ये हो गया बॉक्स कंटेंट्स और क्या क्या बॉक्स में हमको मिलता है। रखते हैं इनको साइड में। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं ये कंडेंसर माइक्रोफोन किसके लिए है और इसका पर्पसेस क्या है। सो ये बेसिकली आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ है, रिकॉर्ड वोकल्स, गिटार्स, एम्स, ओवरहेड्स, परकशंस, एकोस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्ड एंड नॉन्स्ट साउंड। ओके, सो ये एक्चुअली आपका ऑल पर्पस कंडेंसर माइक्रोफोन है। सो इस रेंज में और दूसरा भी माइक्रोफोन्स है आपका जो बहुत पॉपुलर है, रोडी का। लेकिन रोडी एक्चुअली वो डिज़ाइन किया गया हुआ है आपका वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए, वो वोकल्स काफ़ी हद तक अच्छा लेता है और गिटार्स और पर्कशंस भी यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट डिज़ाइंड स्पेसिफिकली और टेक्निकली टू डू दैट। और ये जो है आपका जो लिविट का LCD 440 है, ये आपका ऑल पर्पस कंडेंसर माइक्रोफोन है। आप वोकल्स काफ़ी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के वोकल्स ले सकते हैं, एकोस्टिक गिटार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपका एम्प जो आपका हमारा जो मेटल और रॉक जोनर का जो हम एम्प है, हम इसको एम्प के सामने प्लेस करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और परकशंस हो गया, तबला हो गया आपका, ढोलकी, ये सब हो गया, और आपका जो वगैरह परकशंस और ड्रम्स वगैरह भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसका नॉइज़ लेवल काफ़ी कम है, इसका नॉइज़ लेवल, और सुपर, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर लो सेल्फ नॉइज़, ह्यूज डायनामिक रेंज। और सेल्फ नॉइज़ बहुत अच्छा है, ये बैकग्राउंड का नॉइज़ बहुत कम लेगा, और इसका डायनामिक रेंज काफ़ी हद तक अच्छा है, जो प्रेजेंस आपका साउंड में जो प्रेजेंस अच्छा मिलेगा बहुत। और कार्डियोइड पोलर पैटर्न, ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न क्या है, ये कार्डियोइड मतलब ये हार्ट शेप है इसका जो पोलर पैटर्न। सो ये बेसिकली जो फ्रंट से जो साउंड आएगा वो बेसिकली उसको ही कैप्चर करेगा, और जो साइड से, साइड पैनल से, ऊपर से और रियर से जो साउंड आएगा उसको वो इलिमिनेट करेगा।
तो काफ़ी हद तक ये आपको एक क्लीन साउंड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसको हम बहुत जल्दी यूज़ करेंगे, और इसका अगर आप इसका साउंड टेस्ट और डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर ले आएंगे वो वीडियो। और अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आएगा तो सब बेसिकली इसी कंडेंसर में ही रिकॉर्ड होगा, आप उसका क्वालिटी भी सुन सकते हैं, कैसा क्वालिटी आता है। आई थिंक ये रिव्यू आपके लिए और अनबॉक्सिंग आपके लिए काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव रहेगा, मैं आशा करता हूँ। और आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।